हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पॉपकॉर्न ठंडा कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न ले ठंडा कोल्ड ड्रिंक ले। अरे पॉपकॉर्न, अरे वाह 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 वाह, नमस्कार नमस्कार, क्या बात है। मराठी इंडस्ट्री के सारे दिग्गज आए हैं जिन्होंने बॉलीवुड में आग लगा रखी है। तुझे पता था इतने प्यारे प्यारे लगे, तू चप्पल पहन के क्यों आ गया? तो यार चप्पल पहनना कौन सी बुरी बात है, जॉन इब्राहिम भी चप्पल पहन के घूमते हैं और साउथ के बड़े बड़े स्टार्स चप्पल पहन के हिट हो रहे हैं। वो शौक से पहनते हैं। तो हम भी शौक से पहनते हैं, हमें कौन सा जागीर में मिली है। आप इनकी बातों में कृपया ध्यान ना दे भाभी। ये तेरी भाभी कहां से हो गई बे? अरे जब ये भाई हुए तो वो भाभी हुई। तेरी तो अपनी भाभी भैया जैसी लगती है। मैं मजाक नहीं, मैं इसके घर गया इसकी भाभी के त्योहार, भैया बड़े दिन हो गए आए नहीं, आज कैसे आना हुआ? मैं कहा बस आप ही की शेविंग क्रीम देने आया हूँ मैं। खबरदार जनेलियों को भाभी का और रितेश को भैया कहा। तो यार तुम आए भी तो लॉकडाउन में थे, उस वक्त ब्यूटी पार्लर बंद थे, उस वक्त तो हर भुआ फूफा लग रही थी। देखा तेरे आते ही मक्खियां आनी शुरू हो जाती है। तो देख लो आई किस पे है। उड़ के आई यहीं से। देखा मेहनत करते रहो, होता है कुछ ना कुछ निकलेगा। सर मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ जी। सर ये सुपर ही टॉकीज, सर ये मेरी है, मैं ना अभी इसकी ना चेंज खोलना चाहता हूँ। पहले पजामे में नाड़ा डलवा डंका। इसने डाटा केबल डाली हुई है आपको पता है, पजामे के नाड़े की जगह। जिस दिन अपना मोबाइल चार्ज करता है कोई इसके कमरे में नहीं घुस सकता। कपू शर्मा उसको जुगाड़ कहते हैं। सर मैं ना इसकी इसी मतलब बातों से मन बड़ा खट्टा होता है। भाई आपकी क्रिकेट टीम है ना जी, सर मुझे उसमें रख लो, मैं विकेट कीपर बहुत अच्छा हूँ, मुझे लोग धोनी धोनी कहते हैं। और मैं सच बताऊँ विकेट के पीछे खड़ा होकर मैं गेम चेंज कर देता हूँ। गेम चेंज कर, किसी ने टाइम निकाल के पजामा चेंज कर अपना। तो मैं एक ना इंग्लिश की कहावत है मैं बताता हूँ तुम्हें। अच्छा हाँ, के डोंट जज ए मैन फ्रॉम हिज पजामा। हाय हाय, जो तुमने इंग्लिश बोली ना पंजाबी में। सुबह से मैं जब से आया हूँ ना बाहर वैरंटी के बैठा रिहर्सल कर रहा था। मैंने भी देखा था, मैंने भी देखा। ये थी तेरी रिहर्सल? और जो मैंने रिहर्सल की थी उसने लाइनें काट दी, उसका क्या? अपनी बताता नहीं। इसीलिए काटी मैंने, क्योंकि वो लाइनें ज्यादा थी। मैंने कहा नहीं काम खराब हो जाएगा। जनेलिया इतनी स्वीट है ना, हर बात पे लाफ्टर दे देती है, सोच तूने उसको भी शांत कर दिया। यार मुझे उनसे भी बात करने दे जरा, आए गेस्ट, उनसे तो पूछो वो करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। चाहते सर, करना चाहते। मैं सर मैं आपको बताता हूँ सच में जी। सर हम पंजाब से हैं, हम जब किसी भी मुल्क में चले जाएं ना तो ऐसा लगता है कि पंजाबी गानों में सारी दुनिया नाच रही है। सिर्फ सर एक आपका गाना था वहाँ बठिंडा में, पंजाबी आपके गाने पे भंगड़ा डाल रहे थे। जिंग 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 जिंग। सर ये कमाल आपका है, वाह वाह वाह, सच में बता रहा हूँ। तो फिर क्या चाहिए इससे आगे, इसका कैसे वाइंड अप करना है? बात तो शुरू कर दी तुझे। आप वही तो मतलब तो बोल ही दे। आई विद यू, मतलब मेरा ऐसा लगता है मेरी बीवी है ये, इतनी हैंडसम है तेरी बीवी। इतना पीछे सर मेरा सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट थी, कभी दोबारा ऐसी एल्बम बनाए तो सर प्लीज मुझे उसमें मॉडल लीजिए। तेरी शादी के एल्बम में तेरी बीवी को प्रॉब्लम थी तेरे से। उसने फोटोग्राफर को बोला कि देखो फोटो तो अब हो गई, पहली बार किसी की शादी में वीएफएक्स का काम हुआ है। उन्होंने वीएफएक्स में सेहरा डाला इसके मुंह पे सारी फोटो में, और वो तुझे लेंगे अपने गाने में। मैं मेन बात बताता हूँ रितेश भाई, उस दिन मैं ना हैंडसम ज्यादा लग रहा था। ये अपनी बीवी पे गया स्वागत वाले दिन, तो कहती अरे घूंघरू उठाने लगे, कहती अरे कुंडी तो लगा दो, ये बाहर से लगा के बाहर ही चला गया। जा यार तू फिर। रितेश सर ये मुझे इतना तंग करता है, मैं एक रिक्वेस्ट थी आपसे। रितेश लाइफ में इतना क्लियर है, आज पहली बार तेरी वजह से कंफ्यूज हुआ क्या? कैसे? च्युइंगम के जैसे। सर आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, सर मैंने ना एक्चुअली एक स्टोरी लिखी है। वाह, तो सर अगर आप प्रोड्यूस कर देंगे ना मेरी लाइफ बन जाएगी। तो जो उनकी लाइफ खराब होगी उनका क्या?
ऐसे कैसे खराब होगी यार? अक्षय पाजी हाँ कर चुके हैं फिल्म के लिए। अच्छा हाँ हाँ, तो ये प्रोड्यूस करें? हाँ। अच्छा हाँ, हम कैसे मान लें अक्षय पाजी मान चुके हैं? वो आएंगे इधर, खुद बोलेंगे उनको। क्या बात है रितेश जी आए हुए, जनलिया जी आए हुए, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते अक्षय जी। क्या बात है, हर जगह पे छाया हुआ है ये बंदा। वाह, जहां नजर जाएगी रितेश देशमुख वहीं नजर आएगा आपको। हाँ। आप टीवी पे देख लो एंकरिंग करते हुए दिखेंगे, ओटीटी पे इनकी फिल्म आ रही है, डायरेक्टर है और अब प्रोड्यूसर भी बन गई। लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? जेलसी भी कोई चीज होती है। सही है सही है। एक दोस्त कामयाब होता है तो दूसरे दोस्त को थोड़ी बहुत जेलसी तो होती है। आप तो जानते होंगे। जनेलिया जी, मैं आपको कहना चाहता हूं रितेश जी के बारे में, वेरी गुड मैन, इतना लॉयल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। इनका रिकॉर्ड है, आज तक किसी लड़की को इन्होंने आंख उठा के नहीं देखा है। जो लिख के दिया था वो बराबर बोल दिया ना। क्या कर रहे हो ऐसे? हस्बैंड वाइफ में तुम झगड़ा करवाओगे? झगड़ा अगर हो भी जाए तो ये उस झगड़े पे भी रील बना देंगे, व्यूज ही व्यूज आएंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि झगड़ा हो रहा है लेकिन इनको पता चलता है कि रील बन रही है, व्यूज आ रहे हैं। सही बोले सही। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, मैं आपसे नाराज हूं, गलत किया है आपने मेरे साथ। क्यों? रितेश जी और मेरी बहुत सारी फिल्में साथ में आई, आपने देखा होगा, हे बेबी में हमने काम किया, हाउसफुल की सीरीज में हमने काम किया, लेकिन जब रोमांटिक फिल्म की बात आई तो इन्होंने बीवी के साथ कर ली। भूल गए मुझे। अरे कैसी बात। हाँ, बीवी के साथ ही करेंगे रोमांटिक फिल्म। मैं आपके लिए वो जो स्टोरी वो लाया हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो? सुना सकते हो? हाँ हाँ हाँ, ठीक है सुनाओ सुनाओ। सर आवाज है। हाँ, फिल्म में हीरो हैं। अच्छा सर, ओपनिंग सीन। अच्छा, आपकी ग्रैंड एंट्री। ग्रैंड एंट्री हो रही है मेरी। गली में। हाँ, पैदल। ये कैसी ग्रैंड एंट्री है, मैं पैदल जा रहा हूँ, मेरी एंट्री हेलीकॉप्टर पे होगी। सर इतना बड़ा हेलीकॉप्टर गली में कैसे आएगा? एक बात बता, फिल्म में बड़ा कौन है, मैं कि हेलीकॉप्टर? आप? तो फिर जब मैं पैदल आ सकता हूँ गली में तो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आ सकता? वाह, क्योंकि हेलीकॉप्टर के बड़े बड़े पंखे हैं। हाँ तो पंख काट दो, गंजा हेलीकॉप्टर लेकर आओ। गंजा हेलीकॉप्टर उड़ेगा कैसे? साले मैंने तेरे को बोल दिया हेलीकॉप्टर चाहिए मतलब चाहिए, नहीं तो तेरे को गंजा कर दूंगा मैं। नहीं नहीं, छी 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 छी। ए अभी ऐसा लग रहा है गंजा कैसा लगेगा। दूसरा सीन बताओ मुझे। सर आपका फेवरेट। मेरा फेवरेट एक्शन। अच्छा पहले सीन में एक्शन? एक्शन। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर, हाँ। आप जा रहे हो सामने 30-40 गुंडे आ रहे हैं। 30-40 गुंडे? हॉकी हाथ में, तलवारें हाथ में, यस, चाकू हाथ में, हाँ, और सीधे आपके सामने आंखों में आंखें डाल के, यस, उन्होंने हथियार फेंके। हाँ। बोले हम नहीं कर सकते सॉरी। साले ये जो मैंने वार्म अप किया आधा घंटा, मैं किसको मारूं? मैं तेरे को फेलूंगा। नहीं नहीं, उनका बॉस है ना, उनका बॉस है आगे। 250 गुंडे लेके। 250 गुंडे? उनके हाथ में गन्स। सबके हाथ में गन्स? सबके हाथ में गन्स। अच्छा, और आप टाइगर श्रॉफ की तरह, अच्छा, हाथ में 12 केले लेके। 250 लोग खड़े हैं बंदूकें लेकर, मेरे हाथ में 12 केले, मैं क्या कर रहा हूँ वहां पे? मैं कैसे लड़ूंगा उनसे? सर आप एक केला खाएंगे छिलका नीचे, दूसरा खाया छिलका नीचे, तीसरा खाया छिलका नीचे, उधर से गोलियां चली छिलके पे, डल के फिसल के वापस अपने गुंडों को लगेंगी। ऐसे ये एक्शन है? नहीं 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 नहीं, ये एक्शन कॉमेडी है। ये तेरी कॉमेडी है? तभी ऐसी कॉमेडी करता तभी लोग नहीं हंसते। मैं ये बता रहा हूं आपको, ये सब एक्शन कॉमेडी, ये सब मैं कर लूंगा। हाँ। इनकी रोमांटिक फिल्म आ रही है इन दोनों की। हाँ हाँ हाँ, है आपकी हीरोइन। मेरी भी हीरोइन है? हाँ हाँ। अच्छा क्या बात है सर, इतनी पतली कमरिया, इतनी सी थोड़ी इतनी। अच्छा ठीक है, वो चल के आपके पास आती है? मेरे पास आती है, बिल्कुल पास। अच्छा, आके कहती है हाँ आए, हाँ
आई एम डन विद यू ब्रेकअप खत्म सीन बस ऐसा मुंह बना के आपने पूरी रात रोना है पूरी रात नहीं रोऊंगा मैं क्यों पूरी रात नहीं रोऊंगा मैं 9 बजे तक रो लूंगा रात नहीं रोऊंगा मैं 9 बजे तक रोऊंगा फिर सो जाऊंगा 4 बजे उठूंगा ब्रश वगैरह करके 4:15 को वापस स्टार्ट हो जाऊंगा अब आगे का सीन बता तू आपके आंसुओं से हाँ लड़की पिघल गई अच्छा उसने फोन किया हेलो मेरे घर में आज रात को पेरेंट्स नहीं है अच्छा रात को 1 बजे मिलने आ सकते हो हाँ? और आप स्लो मोशन में भागते हुए हाँ? सीधे उसके घर के बाहर हाँ? सुबह 6 बजे लड़की रात को 1 बजे बुला रही है मैं 6 बजे क्यों पहुंच रहा हूँ क्योंकि आप रात को सोते हो ना नहीं 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 स्क्रिप्ट के साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है रात को 1 बजे पहुंचना है तो मैं लड़की को मिलने 1 बजे ही पहुंचूंगा लेकिन आप तो रात को काम नहीं करते नहीं जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं और जो मैं नहीं बोलता वो मैं कभी कभी स्क्रिप्ट के हिसाब से कर लेता हूं ये सब मेरा रोज का काम है ये मैं कर लेता हूं बजट की बात बताओ फिल्म बनाने आए हो मुझे पता चला कि रितेश जी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं ये नहीं प्रोड्यूस कर रहे इन्होंने आके यहाँ पे हमें बोला कि आप फिल्म करना चाहते हैं तो इनको मनाने आए ये नहीं मेरे साथ झूठ बोला तूने नहीं रुक तू मेरी रुक तू मेरी रुक रुक मेरी बात तो सुनिए रुक अरे मेरा सामान ले जाऊंगा फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़